नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो, की हाल चाल गाइज। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सड्डा। और गाइज, यहाँ पर मैं आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज न्यूमेरिकल। हर किसी को डर लगता है न्यूमेरिकल से, हर कोई स्टूडेंट का एक ही डर न्यूमेरिकल। सर, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें? आप सिविल इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी फील्ड से हो, जब भी कभी न्यूमेरिकल की बात आती है डर लगता है। और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एक वर्ड ही ऐसा है जहाँ पर सब कुछ हो जाता है, भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं बनता। आज कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से पढ़ सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसमें इंप्रूवमेंट भी देखेंगे। तो गाइस, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप लोगों को कन्वेंशनल तरीका बता देता हूं। कन्वेंशनल तरीका है कि भैया क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखना है कि अच्छा, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, ये चीजें हैं, और इस तरीके से सॉल्व करना है। ये कन्वेंशनल तरीका हमेशा से चलता हुआ आया है, जिसमें से स्टूडेंट को बहुत बार क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कई बार एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये डेटा किस लिए दिया हुआ है, राइट? और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, स्पेशली बोलो तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। देखो गाइस, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर अपन चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि अनजान सा कोई भी क्वेश्चन आ गया और आपने कभी उसके बारे में पढ़ा नहीं और आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैंने कहा है कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फाउंडेशन आपका अच्छा मजबूत होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक पे। न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं गाइस, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, स्टेप्स लिख देता हूँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के। और गाइस, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ना ही कभी आप न्यूमेरिकल से डरेंगे और ना ही कभी आप लोगों के क्वेश्चंस गलत होंगे, राइट? बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि न्यूमेरिकल से डर कब लगता है, जब हम इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल देखते हैं और हम उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर न्यूमेरिकल आपको डराता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है और आपसे बनती हुई चीज भी गलत हो जाती है, राइट? न्यूमेरिकल में कभी भी मतलब मेरी हमेशा से एक टेक्निक रही है, मैं कभी भी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को पढ़ता ही नहीं पूरा। हाँ, सुन करके अजीब लग रहा होगा ना कि सर कभी क्वेश्चन को पढ़ते नहीं तो बनता कैसे है, राइट? क्वेश्चन को कभी मत पढ़ो, क्वेश्चन में सर्च करो एक चीज, और वो आपको क्या सर्च करना है, दैट सर्च करना है व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, राइट? क्या निकालना है, क्या पूछा है, सिर्फ आप लोगों को ये सर्च करना है, राइट? अगर आप लोगों को ये पता चल गया कि क्या पूछा है, तो आपका सबसे पहला जो डर था वो खत्म हो गया। आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, नहीं पता मुझे क्या है, बस इसमें ये पूछ लिया गया है कि क्या पूछा गया है, राइट? ये सर्च कर लो, लिखा होगा यहाँ पर फाइंड दिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस, सारी चीजें दे देगा, लास्ट में लिख लेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, राइट? इस तरीके से कुछ चीजें लिख देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ यही ढूंढना है, फाइंड कहाँ लिखा है, सर्च कहाँ, सर्च करो सारी चीजें कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब आपको पता चल गया क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहला माइंड यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि भैया मुझे ये नहीं देखना कि इसमें दिया क्या क्या है, मैंने देख लिया क्या पूछा है, क्या वो चीज मैंने पढ़ी है। अगर पढ़ी है तो आगे बढ़ जाना, मतलब सॉल्व करने के लिए आगे अपन बढ़ेंगे, अगली टेक्निक बताऊंगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ी है, तुमने उस चीज के बारे में नहीं सोचा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ जाना, क्वेश्चन को वहीं पर ही छोड़ देना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल तुमसे नहीं बनेगा। रीजन, तुमने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ है, तुमने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है और तुमसे वो चीज नहीं बनने वाली, तो उसको किनारे कर देना, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम लोग करेंगे, राइट? तो पहले ये वाली चीज, न्यूमेरिकल को देखते ही सबसे पहले तुमको ये पता चलना चाहिए कि क्या पूछा है, राइट? फिर उसके बाद गाइस दूसरा पॉइंट आता है, मैं ये भी बताऊंगा कि अगर तुम लोगों ने देखा कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा और वो तुमसे नहीं बनता, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना वो भी सिखाऊंगा, राइट? लेकिन पहले ये देख लो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तीनों के लिए फायदेमंद है क्या पूछा है। दूसरी चीज, अब तुम लोगों को सर्च करना है गिवन डेटा कि भाई क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, राइट? क्या आप लोगों को देखना है व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, राइट?
गिवन, और इसमें बेसिकली आपको क्या देखना है, डेटा, क्या क्या चीजें दे दी हैं उसने, राइट। अब जब आप लोगों ने देख लिया कि इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, ये वाली चीज समझ में आ गई गाइस, जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि क्या पूछा है आपका, आप चाहो ना चाहो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब भी कभी आप लोगों से पूछा जाएगा क्या पूछा है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, आप लोगों के दिमाग में उस चीज से रिलेटेड फॉर्मूला दिमाग में चलने लग जाएगा। सीरियसली वो फॉर्मूला दिमाग में चलने लग जाता है, और जब वो फॉर्मूला दिमाग में चलने लग गया, इट मीन्स वॉट, आप लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई साहब इस तरीके से कुछ चीजें हैं। अब आपने देखा कि क्या क्या दिया हुआ है, राइट। अब डेटा के हिसाब से आप लोगों को ये पता चल गया क्या पूछा है, क्या क्या डेटा दिया है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट और अपने तरीके से क्या करना है, रेलिवेंट, आप लोगों को बता दू रेलिवेंट, आप लोगों को क्या देखना है, रेलिवेंट फॉर्मूला देखना है। किसी भी चीज को लगाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, उनमें से कौन सा रेलिवेंट फॉर्मूला होगा जिसमें जो जो पॉइंट इसमें डेटा में दिए हुए हैं, क्वेश्चन में दिए हुए हैं, क्या वो सारी चीजें इसमें आ रही है। अगर आ रही है, रिलेवेंट फॉर्मूला देखा, देन क्या करना है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बस इतना सिंपल सा होता है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। अब सुनो, क्वेश्चन डराता कहां पर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डराती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज डराती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे डराती है, पहले लिख देगा रमेश हैज बॉट 3 balls व्हाइट कलर की, राइट, 7 balls फॉर रेड कलर एंड 8 balls फॉर दिस, हैविंग कॉस्ट ऑफ दिस, मास दिस, वेट दिस, है ना, एंड जस्ट टेल मी वॉल्यूम दिस, नाउ जस्ट टेल मी द डेंसिटी ऑफ दैट बॉल, राइट। मास पता है, वेट पता है, या तो वेट के टर्म्स में डेंसिटी बता दो, डिवाइडेड बाई 10 करके, राइट, क्योंकि वेट क्या होता है, एम जी, राइट, एम पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया, वहां से निकाल दो, समझ रहे हो, या फिर मास पता है, वॉल्यूम पता है, उससे निकाल दो, तुम्हारे पास फॉर्मूले होंगे, रिलेवेंट डेटा होगा, उससे आंसर निकाल सकते हो। तो डरने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मत पढ़ो ना, जिस चीज से डर लग रहा है उसी को छोड़ दो, ये प्रूवन फैक्ट है। सब लोग कह रहे होंगे ऐसे कैसे बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे आंसर दोगे, आंसर दे सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल की सबसे खास बात यही होती है मेरे लाल, कि न्यूमेरिकल में तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या पूछा गया, उसके लिए फॉर्मूला पुट करना है, जो डेटा क्वेश्चन ने दिया है उसको पुट करना और आंसर दे देना है, ये तुम्हारी एक सिंपल सी टेक्निक है, राइट। लेकिन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब भी कभी मान लीजिए सर मैं कोई ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मुझे उस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं, राइट, तो सबसे पहला टेक्निक, अब तुम लोगों के लिए जो चीज बता रहा हूँ वो ये है कि तुम नए हो, बिगिनर हो, राइट, तुमने ना ही क्वेश्चन पढ़ा है, ना ही उसका टॉपिक पढ़ा है, ना कुछ पढ़ा है, अब तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, राइट, सबसे पहले उस टॉपिक को स्टडी करो, अच्छे से स्टडी करो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि अच्छा ये चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो डेंसिटी ले लो या कुछ भी ले लो, राइट, तुमने सारी चीजें उसकी पढ़ ली, पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल लगाना है, क्या करना है, इजी न्यूमेरिकल लगाना है, इजी न्यूमेरिकल जैसे ही आप लगाओगे, इजी न्यूमेरिकल लगाने से क्या होगा, इजी न्यूमेरिकल लगाने से आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप लोगों को एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि फॉर्मूला ये था, इसमें ये चीजें पुट करनी और आंसर लगाना है, राइट। फिर उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, अभी आप लोगों को मॉडरेट नहीं, अब सबसे टफ वाला न्यूमेरिकल उठाना है, राइट, सबसे टफ वाला न्यूमेरिकल उठाओ, खासकर अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो और एग्जाम्पल से सीखना चाहते हो न्यूमेरिकल से कि कैसे करना, तो सबसे टफ न्यूमेरिकल उठाना, और वो टफ न्यूमेरिकल उठाना जिसका सॉल्यूशन तुम लोगों के पास हो पहले से, किताबों वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए होते हैं, उनका सॉल्यूशन आप लोगों के पास होते हैं, सॉल्यूशन देखना नहीं है, राइट, सबसे टफ न्यूमेरिकल उठाना, अटैक करना उसके ऊपर, उस क्वेश्चन पे अटैक करना, राइट, जो टेक्निक मैंने पहले बताई थी उसी टेक्निक को देखना और अटैक करना, नहीं बनेगा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, चेक करना कि इस सॉल्यूशन में जो अप्रोच दी हुई है और जो अप्रोच मैंने लगाई उसमें डिफरेंस कहाँ था, राइट, अगर आपको लगे कि नहीं यार इस टॉपिक में ये वाली चीज भी थी जो मैंने मिस कर दी, जो इस टफ टॉपिक में मिली है, मतलब आपको क्या करना है, वापस से आपको जाना आपके कॉन्सेप्ट में, फिर से उसको थोरोली स्टडी करो, फिर से स्टडी करने के बाद अब आपको आना है कि इसमें टफ न्यूमेरिकल में, वापस से इसको सॉल्व करके देखना क्या सॉल्व हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने की टेक्निक ये है, इसमें ये चीजें मिसिंग थी जो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट मिसिंग था, मैंने ऐड कर लिया है, अब ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं कर सकता हूँ,
राइट जब आपने किया तो गाइस टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फायदा होता है। गाइस क्या हो जाता है, जब भी कभी मैं किसी भी टफ क्वेश्चन में जाता हूँ, कई बार मुझे भी होता है कि मुझे नहीं पता होता है कि मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाऊं, राइट, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि अगर मैं अटैकिंग मोड में जाऊंगा ना तो क्वेश्चन मुझसे बनेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में रहता है कि भाई अटैक कर दिया है, पढ़ा हुआ है और सब पढ़ने के बाद जब जा रहा हूँ क्वेश्चन बनना चाहिए, और 90% ऐसा होगा कि तुमसे क्वेश्चन बनेगा, राइट, कभी आंसर गलत नहीं होगा, बस तुम्हें अपने दिमाग को शांत रख के सिर्फ अटैक करना है, क्वेश्चन में अटैक करो, ढूंढो क्या पूछा गया, अच्छा इसके लिए ये दिया है, मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, अच्छा इनमें से ये रेलेवेंट फॉर्मूला लग रहा है, राइट, एक्स्ट्रा डेटा दिया उसका क्या करो, एक्स्ट्रा डेटा का कोई रेलेवेंस नहीं है छोड़ दो, राइट, इससे आंसर आ रहा है ना, बस मुझे आंसर ही तो चाहिए, आंसर निकाल लो, बहुत सिंपल तरीके से, सिर्फ देखो क्या पूछा गया है, तुम्हारे पास क्या डेटा है, उसके लिए क्या फॉर्मूला, जानते हो, जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो वापस से कॉन्सेप्ट पे जाओ, देखो क्या कोई चीज मिस कर दी है, राइट, जब आप लोगों ने इजी न्यूमेरिकल लगाया, टफेस्ट न्यूमेरिकल लगाया, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम लोगों को कहाँ जाना है, मॉडरेट न्यूमेरिकल में जाना है, राइट, मॉडरेट न्यूमेरिकल में जाना है, और जब आप मॉडरेट न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, आप बिलीव करो आप लोगों से सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे बनेंगे, राइट, करके देख लेना, इंप्रूवमेंट आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है, मॉडरेट न्यूमेरिकल लगाना। अभी न्यूमेरिकल के साथ साथ तो मैं दो चीजें और बता रहा हूँ जिसको करना, जिससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, राइट, पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि कुछ शॉर्ट वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, राइट, शॉर्ट वैल्यूज पे ध्यान जरूर देना, राइट, शॉर्ट वैल्यूज पे ध्यान देना, प्लस अप्रोक्सीमेशन का यूज करो कैलकुलेशन में, राइट, अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे करना है कैलकुलेशन में ये बता देता हूं, इन कैलकुलेशन, राइट, इसका यूज कैसे करते हैं ये सिखा देता हूँ सबसे पहले, राइट, देखो गाइस क्या होता है, जब भी कभी आप लोग जूनियर इंजीनियर लेवल पे एग्जामिनेशन देते हो, यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता फ्री में, राइट, लेकिन आप लोगों को आंसर तो निकालना है, ABCD दिया होता है, ऑप्शन सबसे अच्छा होता है, अब आप इसमें कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन कैसे कर सकते हो ये सिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर लिखा हुआ है 4 × 8978, राइट, डिवाइडेड बाई पाई इंटू टू, राइट, मान लो ये कैलकुलेशन आई है, अब आपको इस कैलकुलेशन को करना है, राइट, तो भाई साहब 4 × 8978 × π × 2 इसको सॉल्व करना ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसे अप्रोक्सीमेशन मेथड से बहुत इजी तरह से कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है 3.141, राइट, क्या 3.141 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को मैं यहाँ पर इसको 3 पुट कर दू, राइट, और 8978 8978 नियर बाई ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी 9000 के करीबन है, राइट, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 × 9000 डिवाइडेड बाई 3 × 2, ऐसे ही लिखो, राइट, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, अब यहां पर तुम्हें क्या मिल गया 3000 × 2, नियर बाई जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6000 के करीबन आ जाएगी, दिस इज अ एप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसपे आप लोगों ने देखा, राइट, अभी मैंने आपको समझाया है तो मुझे 15 सेकंड लगे, लेकिन अगर मुझे खुद कैलकुलेट करना होता मैं दिमाग में ही ये सारी चीजें करता, इसको 9 मानता, अब 9 × 4 = 36 करता, 36/2 करता तो 18 आ जाता, राइट, और 18 जो तुमको दिखाई दिया है और 18/3 करता तो 6000 मेरा आंसर आ जाता, कैसे भी कर सकते हो तुम्हारे ऊपर है, राइट, तो मतलब कैलकुलेशन को शॉर्ट करने की कोशिश करना, अप्रोक्सीमेशन पे जाना, अब जो शॉर्ट वैल्यूज हैं वो कैसी होती हैं गाइस, क्या करना है आप लोगों को, कुछ स्क्वायर वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट याद कर लो, 1 से लेकर 10 तक के रेसिप्रोकल्स याद कर लो, 1/1 से लेकर 1/10 तक के, राइट, इसमें आप लोगों को काफी फायदा मिल जाएगा, आप इसका भी यूज कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से इसका यूज होता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें इनको याद कर सकते हो, याद कैसे करना है वो टेक्निक भी आप लोगों को सिखाऊंगा। अब गाइज इन सारे न्यूमेरिकल में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी जो चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, दिस थिंग, आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग बेस होना चाहिए, फाउंडेशन होना चाहिए, तभी आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैं बिना किसी थ्योरी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए उस चीज का क्या है, राइट, और गाइज हमेशा याद रख लेना जब भी कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना उसकी यूनिट का खास ख्याल रखना, क्योंकि
कई बार एग्जामिनर यूनिट पर खेल जाता है, आप लोगों को सारी यूनिट किलो जूल में दे देगा और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगा जूल में, राइट हो सकता है आप लोगों को सारी यूनिट टेम्परेचर की सेंटीग्रेड में दे देगा और ऑप्शन में आप लोगों को केल्विन स्केल दे देगा। तो आपको इन सब का भी ध्यान रखना है। हम आंसर बिल्कुल सही निकाल देते हैं लेकिन हम ये नहीं चेक कर पाते कि अच्छा ये सेंटीग्रेड में था, पूछा तो केल्विन में, राइट तो इस चीज का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना, ठीक है। अब रही बात कॉन्सेप्ट की स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए, देखो थ्योरी पढ़ने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है बुक से पढ़ने का, लेकिन बुक से आप जितनी भी थ्योरी पढ़ोगे ये सारा टाइम कब का होता है, कॉलेज टाइम का। अगर आप कॉलेज गोइंग हो देन आई विल से कि आप लोग कॉलेज में हो तो आप लोग थ्योरी बुक से पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अगर आप लेस टाइम में किसी भी थ्योरी को तैयार करना चाहते हो और सबसे बेस्ट तरीके से करना चाहते हो देन यू शुड हैव योर बैच। आप किसी भी बैच में जा सकते हो, खुद को इनरोल कर सकते हो, जिस भी स्ट्रीम से हो, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, आप अपने बैचेस में जाओ, खुद को तैयार करो, बेस अपना मजबूत करो, रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, लाइव सेशंस लो, लाइव सेशन में जो ट्रिक्स और टिप्स वगैरह सर देते हैं उनका फायदा लो और उसके बाद आप अपनी तैयारी करो। देखना आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और न्यूमेरिकल की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल या चार न्यूमेरिकल लगा करके आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कम से कम 400 न्यूमेरिकल आपको लगाने पड़ेंगे। अब 400 न्यूमेरिकल एक दिन में नहीं लगा पाओगे ऑब्वियसली, लेकिन गाइज अगर तुम लोग ये दिमाग में बैठा लो कि डेली मुझे 10 न्यूमेरिकल लगाने हैं तो 40 दिन मतलब 1-1.5 महीने के अंदर तुम न्यूमेरिकल में बिल्कुल फ्लुएंट हो जाओगे, राइट। तो मतलब इस तरीके से 8-10 न्यूमेरिकल की डेली प्रैक्टिस करो, देखो भाई कौन सी अप्रोच है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या टॉपिक है, राइट उन टाइम उस टाइम में अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए इंजीनियर्स अड्डा कितने सारे बैचेस बनाता है, तो जितने भी बैचेस हैं आप उसमें इनरोल भी कर सकते हो, तो इनरोल करो जा करके और तैयारी अपनी अच्छी करो क्योंकि बेसिक एक ही चीज है, आपका सिलेक्शन, और उसके लिए जो जो एफर्ट लगाने पड़े वो सारे के सारे एफर्ट लगाने आपको जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो अभिनेश सर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर। अगर सिविल की बात करूँ तो वहाँ पर आर के सर हैं, प्रमोद सर हैं, रजत सर हैं। मैकेनिकल की बात करूँ वहाँ पर मैं हूँ, आर के सर हैं, राइट। सॉम एफ एम आपको आर के सर बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ऑल दो सॉम एफ एम से लेकर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं बैचेस में, राइट। तो आपको मेरे सारे के सारे सेशंस मिल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, राइट, जो बैचेस वगैरह हैं, तो उसमें जाकर के आप अपने आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के अच्छा तक तैयार कर सकते हो। तो गाइस तैयार करो और जल्दी करो, और जब भी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो टाइमर ऑन करके करो सो दैट आप जल्दी से जल्दी स्पीड और एक्यूरेसी लेकर के आ पाओ। अब अगर आप चाहते हो कि किसी भी बैच के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं बता देता हूं, राइट। तो गाइस किसी भी बैच में जाना है तो आप अपना गूगल क्रोम खोलना, गूगल क्रोम में जाना और गूगल क्रोम में जाकर के अड्डा 24/7 सर्च कर लेना। जैसे कि आज से 10 मंथ के बाद, ये वेबसाइट है आपकी, आज से 10 मंथ के बाद आप लोगों का क्या है SSCJ, जिसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो हर एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो गाइज आप ऑल कोर्सेज में जा सकते हो। ऑल कोर्सेज में देखो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में इंजीनियरिंग महापैक है। इंजीनियरिंग महापैक ही आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए मिलता है। आप लोगों को गाइज एक पॉइंट बता दूं कि ये जो महापैक है इसमें आप लोगों के आने वाले जितने भी बैचेस हैं वो सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। आप JKSSB की तैयारी कर रहे हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो जिसमें SSCJ का एग्जामिनेशन है, या फिर आपका RRBJ अभी आने वाला है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आने वाला है जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सारी चीजें आएंगे, फिजिक्स में बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अगर आप इन सबकी तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर महापैक। महापैक का प्राइस अभी आप देख रहे हो 17,299, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इतने पैसे खर्चे नहीं करने हैं। यू कैन गो टू व्यू ऑफर्स, व्यू ऑफर्स में क्लिक करना। जैसे ही आप व्यू ऑफर्स में क्लिक करोगे और यहाँ पे अप्लाई करोगे, देखो ये जो कोड दिया है गेट एक्स्ट्रा 75% ऑफ, यहाँ पर क्लिक करोगे ये बैच आपका 4,300 रुपीज का हो जाएगा। लेकिन 4,300 रुपीज भी आपको नहीं दे रहे, आपको जो देना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड बता देता हूँ, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, Y166। किसी भी बैच में आप अप्लाई कर सकते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, तो Y166। जैसे ही ये Y166 लगा करके अप्लाई करोगे ये बैच आपका 4,300 से 7,900 रुपीज का हो जाएगा, राइट। और अगर आप लोग अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से लेते हो यही वाला बैच, राइट, अगर आप लोग ऐप में जाते हो और ऐप में यही वाला बैच लेते हो
तो ऐप में आप लोगों को क्या मिल जाएगा मेरे लाल, ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगे कॉइन्स, राइट। और इन कॉइन्स की मदद से आप एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट ले लोगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 3800 के करीबन आपको ये बैच मिल जाता है। एंड दिस बैच इज वैलिड फॉर 1 ईयर, और 1 साल में आने वाले जितने भी बैचेस हैं उन सबका एक्सेस मिलेगा। तो आप लोगों को फायदा ही फायदा है, चाहे आप SSC JEE की तैयारी करो, JKSSB की करो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी करो, या फिर RRBJEE की तैयारी करना चाहे, तो सारे बैचेस आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एवरीथिंग, राइट। आपकी सहूलियत के लिए मैं बैच की लिंक भी नीचे डलवा दूंगा, वहां से भी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जाके ज्वाइन करो, थ्योरी पढ़ो, फाउंडेशन स्ट्रांग करो, और स्ट्रांग करने के बाद न्यूमेरिकल में जाओ, और देखना आपसे गारंटी के साथ न्यूमेरिकल बनेगा। बस जो टेक्निक मैंने बताई है वो आपको करनी है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।